बिग बॉस ओ टी टी दो में कंटेस्टेंट्स के बीच अब कप्तानी की जंग देखने को मिलने वाली है घर का कप्तान होने के काफी फायदे होते हैं सबसे पहले तो नॉमिनेशन से छुटकारा मिला जाता है वही घर के सभी कामों को भी करने की कोई जरूरत नहीं होती है फिलहाल जिया शंकर घर की कप्तान है उनकी कप्तानी पर कई घर वाले सवाल खड़े कर चुके हैं जिसके बाद अब उनकी कैप्टेंसी का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है इस हफ्ते घर के कप्तान का चुनाव होने वाला है इस बीच सभी घर वाले इस कप्तानी टास्क में अपना सौ प्रतिशत देना चाहते हैं ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि टास्क जीतकर मनीषा रानी और अविनाश सचदेव कप्तानी के दावेदार बन गए हैं अब इन्हीं दो कंटेस्टेंट में से कोई एक घर का नया कप्तान बनने वाला है इस हफ्ते कैप्टेंसी टास्क में अविनाश सचदेव और मनीषा रानी काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आने वाले है इसके साथ ही पूजा भट लाख कोशिशों के बावजूद टास्क हार जाती है और इस हफ्ते भी कप्तान बनने की रेस ऐसी बाहर हो जाती है अब मनीषा और अविनाश में ऐसी कोई एक ही घर का नया कप्तान होने वाला है अभी तक मनीषा रानी की बिग बॉस में जर्नी काफी अच्छी रही है फैंस मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर अविनाश की गेम खेलने की स्ट्रेटसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं सलमान खान ने भी वीकेंड का वार पर उन्हें जमकर फटकारा था बता दें कि बिग बॉस के घर में अब यूट्यूबर एलविश यादव वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले हैं। यूट्यूबर की एंट्री से दर्शक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेयर करे और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें